हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया और खास्ता नमकीन, वो भी एक नए डिजाइन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। खास्ता नमकीन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 2 बॉल गेहूं का आटा। ये मैंने मीडियम साइज का शीशे का बॉल लिया है। साथ ही अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मंगरेला और अजवाइन। आप चाहो तो केवल अजवाइन भी डाल सकते हैं या फिर केवल मंगरेला भी। अब इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब यहाँ पे हमें डालना है रिफाइंड ऑयल। तो आप जितनी क्वांटिटी में आटा लें उससे आप 1/4 तो रिफाइंड ऑयल ज़रूर डालें। मैंने 2 बड़ा बॉल लिया था आटा, इसलिए मैं यहाँ पे 1 छोटा बॉल रिफाइंड ऑयल का यूज़ करूँगी। आटा गूंदने समय मेज़रमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। आप आटे में, आप जितनी भी क्वांटिटी में आटा लें आप उसमें थोड़ा थोड़ा रिफाइन ऑयल डालते हुए इस तरीके से मिलाएं और फिर उसे एक मुट्ठी में उठाएं। अगर आटा आपका बाइंड नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें रिफाइंड ऑयल की मात्रा कम है। फिर आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें डालें और फिर से आटे को अच्छी तरीके से मिलाएं। मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप रिफाइंड ऑयल डालते जाएं और आटे को मिलाते जाएं, जब तक कि ये आपका अच्छे से मुट्ठी में बाइंड ना हो। तो आप एक स्टेज पे देखोगे कि थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल मिलाते जाने के बाद आपका आटा जो है वो मुट्ठी में अच्छी तरीके से उठ रहा है, वो अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब आपका जो तेल की क्वांटिटी है आटे में नमकीन के लिए वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि 2 बड़े बॉल में मैंने 1 छोटा बॉल रिफाइंड ऑयल डाला है। अब मैंने सारी रिफाइंड ऑयल को अच्छे से आटे में मिला दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी देकर हम इसका एक हार्ड डो बनाएंगे, हमें सॉफ्ट डो इसका नहीं बनाना है। पानी भी आप थोड़े थोड़े मात्रा में इसमें डालें और इसका एक हार्ड डो बना के तैयार करें। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना आटा लिया है आप भी उतना ही आटा लें। तो मेजरमेंट में इस तरीके से प्रॉब्लम होती है कि 1 कप आटा लें तो कितना कप हम रिफाइन ऑयल लें या फिर पानी लें। तो इसका सिंपल यही तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा रिफाइन ऑयल डालें, मिलाएं, उसका फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका एक हार्ड डो गूंथ कर तैयार करें। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए, देखिए मैंने हार्ड डो इसका बना लिया है। आपको भी बिल्कुल आटे की कंसिस्टेंसी इतनी हार्ड रखनी है, सॉफ्ट रहेगा तो फिर आपका नमकीन नहीं बन पाएगा। जब आटा गूंथ जाए तो इसे बस 10 मिनट के लिए थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट हो गए, मैंने लीड को हटा दिया और आटा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और एकदम सेट हो चुका है। तो अब इसका एक पेड़ा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज का पेड़ा निकालेंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे। आटे में तेल की क्वांटिटी बहुत अच्छी है तो इसमें सूखा आटा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका स्लेब में चिपके तो आप थोड़ा सा सूखा आटा इसमें लगा सकते हैं। और अब इसे रेक पे रख के मैं इस तरीके से बेलूंगी। आपको सबसे पहले एक रोटी जितना इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और एकदम पतला भी नहीं कर देना है। जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ वैसे ही आपको बेल के एक बड़ा सा गोल शीट तैयार कर लेना है। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, ये देखिए आपको बिल्कुल इतना ही मोटा रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो मेरा यहाँ पे शीट बेल कर तैयार है। तो इस पूरे शीट पे लगाएंगे देसी घी। आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप देसी घी लगाते हैं तो इसकी जो खुशबू आएगी आपके नमकीन में वो काफ़ी अच्छी आएगी और काफ़ी टेस्टी लगेगा ये खाने में। तो मैंने यहाँ पर घी को चारों तरफ से फैला दिया है। घी फैलाने के बाद हम इसे एक तरफ से उठाते हुए रोल करेंगे, बिल्कुल ऐसे, बहुत टाइट करके नहीं रोल करना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। आप साधारण जैसे रोल कर सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार करें और फिर हल्के हाथों से इसे एक बार और रोल कर दें ताकि जो कॉर्नर है वो चिपक जाए। सारे कॉर्नर्स चिपक गए हैं। अब हमें एक नाइफ लेना है और दोनों साइड के सबसे पहले हम कॉर्नर्स को कट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद हम 2-2 इंची के डिस्टेंस पे इस तरीके से छोटा छोटा पेड़ा कट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला कट ना करें, 2-2 इंची का डिस्टेंस ज़रूर रखें। आपको दिखाती हूँ उठाकर, देखिए इस तरीके का निकलेगा आपका।
अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा ये निकला है पेड़ा, इसका जो कटिंग वाला साइड है, जो रोल आपको दिख रहा है डिज़ाइन वाला साइड, उस तरफ से हमें नहीं इसे चिपकाना है, बल्कि जो बीच का है पार्ट उसे अपने हथेली पर रख के और फिर इसे इस तरीके से आपको फ्लैट करना है। तो एक एक करके सारे पेड़े को इसी तरीके से हम फ्लैट कर देंगे। आपको मैंने बताया कि जो डिज़ाइन वाला साइड है उस साइड से हम नहीं करेंगे, बीच वाले साइड से इस तरीके से सभी को फ्लैट कर देंगे। हाथ से प्रेस करते हुए इसे फ्लैट करने के बाद हम छोटे छोटे इसे पूरी की तरह बेलेंगे। सारे पेड़े को एक साथ बेल के तैयार कर लेते हैं। बेलने के बाद हमारा जितना भी शीट बन के तैयार हुआ है, अब इन सब पे भी हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसका नमकीन बनाएं, जो भी इसमें लेयर्स निकले उन सब में घी की अच्छी खुशबू और साथ ही बहुत खास्ता नमकीन हमारा बने। अब एक करके हमें सबको ट्रायंगल शेप में मोड़ देना है और उसका अपने हथेली पे रख के हल्का सा प्रेस करते हुए इसे थोड़ा सा फ्लैट करना है। आप यहाँ पे हाथ का ही यूज़ करें, बेलन का यूज नहीं करें, नहीं तो जो भी लेयर्स है नमकीन की वो सारी एक दूसरे में चिपक जाएगी, खुलकर नहीं आएगी। तो हाथ से इस तरीके से प्रेस करते हुए आपको थोड़ा सा इसे फैला लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है, तो थोड़ा मोटा शेप में आप इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में दे दें। आप चाहो तो इसे रेक पर भी हाथ के सहायता से प्रेस करके थोड़ा सा फैला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी को ट्रायंगल का शेप दे दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल पहले से डाल के रखा था। हम मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म करेंगे, एकदम धुआंधार गर्म नहीं करेंगे। पहले एक छोटा सा लोई डाल के देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो एक एक करके सारे नमकीन को इसमें डाल देंगे। एक बार में आपका जितना जाए आप उतना ही डालें और यहाँ पे गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखें। और अब हम मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से इसे टर्न करते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। आप यहाँ पे समय समय पे गैस की फ्लेम को लो और मीडियम कर सकते हैं, लेकिन हाई ना रखें, नहीं तो नमकीन ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैंने एक बार इसे टर्न कर दिया है। अब दूसरी तरफ से भी थोड़ा लगने देंगे और हर मिनट पे इसे दोनों तरफ से चलाते हुए हम अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर का कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो नमकीन है वो कितनी अच्छी तरीके से पफी हो गया है और काफ़ी अच्छा कलर भी आ रहा है धीरे धीरे। आप इसे टाइम देकर अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करें। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कलर आ गया है और काफ़ी क्रिस्पी भी ये बना है और अंदर तक ये कुक हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस को होने में हमारा 5 से 7 मिनट लगा है। अब इस नमकीन को हम निकाल लेते हैं और फिर दूसरा वाला बैच भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा खास्ता नमकीन बनके तैयार है। आप इसे चाय के साथ सुबह शाम खा सकते हैं और साथ ही कंटेनर में बंद करके भी रख सकते हैं, ये हफ्तों तक ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।